ये वाली भी नहीं। अरे पीछे वाली वो वाली भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं। तो बाकी वाली तो फाइनली गाइस चाय नाश्ता हो गया है, अभी चलते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखो मेरे पीछे इतनी उत्साहित है कि सब सामान रेडी मेरा कर दिया, देखो आप सब रेडी हो गए हैं, अभी रखने का बाकी, रख के चलते हम लोग। सो गाइस आज बहुत काम करे, मेरा हेलमेट भी साफ कर दिया और ग्लव्स और माइक बाइक सब निकल के माउंट बाउट सब रेडी कर दिया उसने। अभी मैं उसको लेके चलता हूँ गाड़ी का कलेक्शन करने के लिए, देखते हैं कौन सी गाड़ी चॉइस करती है, तो वहां पे सीधे मिलते हैं। चल 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 ले चल, कौन सा ये वाली ले? नहीं ये वाली नहीं, तो नहीं मजा आएगा इस पे। सो गाइस ये तो ये वाली मना कर रही है, देखते हैं दूसरी तरफ चलते हैं। ये वाली भी नहीं। अरे वाली बढ़िया रहेगी तेरे लिए, मजा नहीं आएगा इस पे। इसके पीछे वाली वो वाली भी नहीं, वो सबसे भी खराब दिखती है। इसके लिए परफेक्ट है गाइस, नहीं तेरे लिए परफेक्ट है, नहीं मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। तो गाइस तीन रिजेक्ट कर दिया, अभी चौथे के पास चलते हैं। ये भी नहीं। अरे तेरे लिए बेस्ट है, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता इस पे। तो गाइस ये भी कैंसिल कर दिया, अभी इस पे चलते हैं। ये भी नहीं। अरे नया है अपना, अच्छा रहेगा तेरे लिए, नहीं मुझे नहीं। इसके बाकी वाले इसके ऊपर चाकू कौन रखते, इस पे चलते नहीं, 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 नहीं। इस पे चलते, ये वाली सबसे अच्छी है। वो तो किंग है अपनी, उसके ऊपर थोड़ी चल सकते, उसके ऊपर ही चलते हैं। ये बेस्ट है, ये वाली पे चलेगी, चल चल ये करने को, इस पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। तो ये वाली भी कैंसिल कर दिया, अभी वो तो किंग के लिए बोल रहे हैं, बट इसके साथ किंग पे जाके भी मजा नहीं आता है, वो स्लो चलाने के लिए बोलते हैं। नहीं बोलूंगी आज, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पक्का ये वाली? हाँ पक्का ये वाली। सो गाइस ये अपने किंग के लिए बोल रही है, लेकिन मैं सोच रहा था वो अपना जो डीओ पीछे खड़ा उसके ऊपर उसको राइड पे लेके जाऊंगा, उसमें कौन चाहता है अभी। तो चलते हैं किंग के साथ इसको लेके और देखते हैं इसका रास्ते में क्या होता है, फिर स्लो चलाने के लिए बोले के क्या बोल दी के पता नहीं। तो मिलते हैं रास्ते में ही, अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं, ऑलरेडी मैं हम लोग लेट हो चुके हैं, तो रास्ते में ही सीधा मिलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स मैं आज राइड पे जा रहा हूँ, और किसके साथ राइड पे जा रहा हूँ वो तो आप सभी ने पता लगा ही दिया होगा। उसको लेके आने का ना फ्रेंड्स इतना मन नहीं था, बट क्या करूँ कि वो आने की इतनी जिद कर रही थी और मुझे उसको लेके आना ही पड़ा। तो अभी उसके साथ चलते हैं राइड पे, और क्या बताऊँ, अब मुझे काफ़ी सारी कमेंट भी आ रही थी कि मयूरी के साथ ब्लॉग बना दो, तो उसके साथ में मोटो ब्लॉग भी बन जाएगा। और अभी उसको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उसको पूछ भी लेते हैं, क्योंकि वो पीछे बैठ बैठ के टलटल नहीं जाए, फिर थोड़ा थोड़ा उससे बात भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको लगेगा कि मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। और मोटो ब्लॉग में तो आप सभी को पता ही है कि अकेले ही बोलना पड़ता है, अपने साथ कोई रहता नहीं है बात करने को, तो आज मेरे साथ बात करने को भी मिल गया है, और पार्टनर जो बात करने के लिए मिल गया है, तो उसको थोड़ा पूछना तो पड़ेगा ना फ्रेंड्स के मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको पूछ लेता है। क्या बोलते हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और फर्स्ट टाइम आई थी तब इतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन सेकंड टाइम काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, हद से ज़्यादा, क्योंकि आप सेकंड टाइम स्पीड भी थोड़ा बढ़ा रहा हो ना फ्रेंड्स, इसके लिए उसको मज़ा आ रहा है। और क्या बोलूँ कि जो रास्ते का लोकेशन है काफ़ी सारा अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा उसको लॉन्ग पे नहीं लेके जाएंगे, बट उसको ना इतना तो लेके जाएंगे कि उसको मज़ा आएगा राइड पे। तो थोड़ा कम करो अभी है ना, 50 पे भी मना कर रही है, तो अभी इतना मज़ा नहीं आएगा इसके साथ राइड पे, इसलिए मैं उसको ना लाने का मन नहीं करता मुझे, और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन तो मैं आप सभी को नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास एक ही कैमरा है, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट उसका जो बातचीत कर रहे हैं उसको मैं ज़रूर से आपको सुना सकता हूँ, क्या बोलती है। और अगली बार नेक्स्ट टाइम आएगी कि नहीं आएगी राइड पे? नेक्स्ट टाइम देखेंगे, उसको लाएंगे तो उससे पूछना ही पड़ता है, तो पूछ लेता हूँ कि आएगी कि नहीं आएगी। आऊँगी ना मैं, क्यों नहीं आऊँगी। तो सो गाइस यहाँ का लोकेशन ना, हम लोग ये अभी जा रहे हैं सूरत, और सूरत जा रहे हैं, तो सूरत का पूरा वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरा तो नहीं बना पाऊंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा,
और ना स्पीड बढ़ाने पे ये पीछे से थप्पड़ मार रही है, तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, बट उसको ना बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस बातें कम करते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं, और उसको रास्ते के लोकेशन के साथ साथ में थोड़ा राइड का भी मज़ा करवाते हैं, ताकि उसको भी ऐसा लगे कि हाँ राइड में मज़ा आ रहा है, और थोड़ा ऐसा भी डरा है ये कि नेक्स्ट टाइम आने की कोशिश नहीं करेगी। ऐसा बात कर रहा तो देखो पीछे मुझे मार रही है बार बार, तो भी उसको थोड़ा ना राइड का मज़ा करवाते हैं। मिलते हैं फिर बाद में, उसको बातचीत करते हैं फिर कैसा मज़ा आया पूछते हैं। पहले अभी उसको बोला राइड का थोड़ा मज़ा करवाते हैं और इंजॉय थोड़ा उसको करवा लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लॉग अपना एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ और नए लोकेशन के साथ। तो अभी इसको पूछ लेते हैं कि आज मज़ा आया कि नहीं आया, तो क्या बोलते हैं मज़ा आया कि नहीं आया? काफ़ी मज़ा आया, लेकिन स्पीड बढ़ा देते तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं इसको लेकर चलता हूँ। बार बार डाउट भी क्लियर हो गया कि मोटो ब्लॉग पे लड़कियाँ रुकती तो नहीं है ना, ऐसा करके सोच रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और काफ़ी मज़ा आया। मतलब कि पर्सनल देखने के लिए आई थी कि मेरे काम में बिजी रहता हूँ, वैसे मुझे लेकिन क्लियर हो गया डाउट मेरा। आज इसका डाउट क्लियर भी हो गया, काफी मजा भी आया मोटो ब्लॉग पे। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक अपने परिवार के साथ खुश रहे और अपने परिवार का ख्याल रखे, क्या बोलते हैं? हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।